अगला प्रश्न है बेटा जी, किसी भाई का प्रश्न है कि पूरा निश्चय होने के बाद भी निश्चय हिल जाता है, क्यों? ये दोनों विरोधाभासी डाउटफुल नेचर है कि सीढ़ी ऊपर चढ़ के छत पे गए फिर नीचे उतर आए, क्यों आए ये पता नहीं, फिर चढ़े, ये कहियो कि डाउटफुल नेचर होती है, दृढ़ता की टोटल कमी होती है। इनके लिए सहज विधि है, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ें, उसकी 5-7 मुख्य बातों को नोट करें। जी सुना है कि आपको डिवाइन ड्रीम में बाबा टचिंग कराते हैं, तो आजकल बाबा आपको क्या टच करा रहे हैं? टच करने की जरूरत नहीं, सबको दिख रहा है, यह विनाश का खेल शुरू हो गया है। और बाबा ने टचिंग के अलावा डिवाइन बुद्धि भी दी है, उससे बिना बाबा के टच किए हुए बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं, इसलिए ये खेल शुरू हो गया। आप सभी समझदार ब्राह्मणों को तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा से सर्वोच्च स्थिति बना लेनी चाहिए, सर्वस्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले सीन इससे भयानक होंगे, ये दिख रहा है। सरकारें तो अभी विवश हो गई बेचारी, कोई कर भी क्या सकता है। प्राइम मिनिस्टर, उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो कह दिया ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे फोर्स से हम बाहर निकलवा दें मिलिट्री से, ये तो सबको सहन करना पड़ेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा। तो लोग भी तंग हो गए, नेता भी तंग हो गए, हमारे नेता तंग नहीं होते लेकिन विदेशों में कई बड़े बड़े नेता इनसे तंग हो गए हैं, तो आगे चल के इनसे भी भयानक परिस्थिति आएंगी जी। और 2030 तक कम से कम 10 झटके लगेंगे और ये धरती देवताओं के लिए खाली हो जाएगी। ये अपने 10 झटके कह के तो झटका दे दिया, झटका देना ही पड़ेगा ब्राह्मणों को, नहीं तो ऐसे सोते हैं ब्राह्मण कि कुंभकर्ण को भी फेल कर देते हैं। तो ये जगाने के लिए है हम सबको।